रुको जरा, सबर करो। दोस्तों, घर इंसान के लिए एक मूलभूत सुविधा है जिसे कारीगर ही बनाता है, लेकिन कोई भी प्रोफेशन हो उसमें ऐसे लोग तो देखने को मिल ही जाएंगे जो हमें एंटरटेन करने के लिए अतरंगी हरकतें करते ही रहते हैं। क्या बात है सर, सही बात है। और आज हम उन्हीं कारीगरों के फनी वीडियोस लेकर हाजिर हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो वीडियो का अच्छे से आनंद लेने के लिए अंत तक बने रहें और एक भी क्लिप मिस ना करें। हाँ ठीक है ठीक है, मालूम है मेरे को। दोस्तों, आपने सिंहासन तो कई तरह के देखे होंगे और हमने भी आपको पिछली वीडियोस में कई तरह के सिंहासन दिखाए हैं जिनमें राजा महाराजाओं की फीलिंग भी आती है, लेकिन ये देखिए, आजा चल बैठते। इस सिंहासन में हगना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल सटीक निशाना लगाना होता है। अच्छा, और निशाना चूकते ही आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। नहीं। और सिंहासन को बनाने के लिए जिस रेड़ी का इस्तेमाल किया गया है उसमें भी साइड ग्लास का इस्तेमाल किया गया, ताकि दुनिया के बेहतरीन सिंहासन को बनाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही आपको बता दूं कि उसमें इस नए जमाने की लेवल डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों, आज तक आपने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बालों को सुखाने के लिए ही किया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इन कारीगर साहब को जो हेयर ड्रायर से सीमेंट को सुखा रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। और ये देखिए, सर छिपाने के लिए काफी बेहतरीन दरवाजे लगाए हैं। तो क्या नाचोगे? आपको भी लगवाने हो तो कमेंट में बता देना, इंजीनियर मैं भेज दूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? और अब इस इंजीनियर को देखिए जो बेचारा बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसने इस लकड़ी को उठाया तो लकड़ी के नीचे से चूहा निकल जाता है। फिर भी यह काफी समझदार निकले जो लकड़ी को सर पर आने से रोक लेते हैं। दोस्तों, इस कारीगर को देखिए जिसका लटकने का तरीका ही जबरदस्त नहीं है, बल्कि इसका काम भी काफी मजबूत है। जी हाँ, यह मकान उसी का बनाया हुआ है जिसे तोड़ने की तैयारियां चल रही थी। ऑर्डर मिलता है ना तो सब कुछ टूटता है। पहले आप यहाँ देखिए कि जब मकान को मशीनों से तोड़ा जाता है तो वह कुछ ही सेकंड बाद इस तरह मलबे में बदल जाते हैं, लेकिन यह मकान 4 फ्लोर से 3 फ्लोर में बदल जाता है। लगता है नगर पालिका वालों ने इस मकान में 1 मंजिल ज्यादा बताई थी और मकान मालिक को बीच वाली मंजिल पसंद नहीं थी, तो उसने सोचा कि यही तोड़ देते हैं। ए अफसर, ये जो होटल के नीचे का 2 फ्लोर है ना, वो जल्दी गिरा दो, चलो। और यहाँ देखिए दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट मिस्त्री को, जिसने नक्शे के मुताबिक सीढ़ियां बनाई है। मुझे लगता है कि यह संडे को इंजीनियरिंग करने के लिए गया है। सही पकड़े हैं। अब इस मोहतरमा के बारे में क्या ही कहें, जो वैक्यूम क्लीनर से डस्ट को खींचने की कोशिश कर रही है। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे मैडम, घर जाओ, इससे सोफे वगैरह साफ करो, क्यों फालतू में अपना पोपट करवा रही हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, नलों में से पानी लीक होना तो आम बात है, लेकिन यहाँ पर तो बिजली के प्लग्स में से पानी आ रहा है। अब हमारे यह समझ नहीं आ रहा है कि भैया प्लम्बर को बुलाएं या फिर इलेक्ट्रिशियन को। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आप ही दे सकते हैं, तो कमेंट जरूर करें। और इस मिस्त्री को देखिए जो ग्राइंडर की चिंगारियों से सिगरेट जला रहा है। अरे देवा यार, यह इतना दिमाग लाते कहां से? जलवा है हमारा। और यहाँ इस आरएमसी के ड्राइवर को देखिए जो लगता है आज अपने मालिक से नाराज हो गया है, और आज यह इस आरएमसी का पूरा बैंड बजा कर ही मानेगा। अरे बाबरी, क्या कर रहे हो तुम? मैं मारूंगा तुमको। दोस्तों, अब इस कारीगर को देखिए जो यहाँ पर बजरी छानने का काम कर रहा था, लेकिन इस पागल को यह नहीं पता कि छलने को कैसे लगाया जाता है, जिसके बाद इसका दोस्त आता है और इसे थोड़ी अक्ल देता है। और तो पहले बोलना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन हर कारीगर बेवकूफ नहीं होता, क्योंकि इस कारीगर को देखिए जिसने ऊंचाई पर ड्रिल से होल निकालने का कितना तगड़ा जुगाड़ लगाया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ऐसे कारीगर मिल जाएं तो घंटों का काम मिनटों में ही हो जाए,
वाह कारीगर साहब, आपने तो मौज ही कर दी। आपको तो इस टैलेंट के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? अब इस कारीगर की कलाकारी देखिए, जिसको मकान मालिक ने बोला कि मेरा खाने के बाद इतना प्रेशर बनता है कि मैं बाथरूम तक नहीं जा सकता। नहीं। और उसकी परेशानी को देखते हुए कारीगर ने टॉयलेट सीट यहीं पर फिट कर दी। वाह बेटे, तूने तो मौज कर दी। म्यूजिक। और इनको भी देख लो, कुंड के फर्श की फिनिशिंग के लिए कितना तगड़ा जुगाड़ लगाया है। मजाक है, थोड़ी सी भी कमी रह जाए। बात तो सही है। दोस्तों, ईंटें बनाने वाली फैक्ट्री ने ऐसी ईंटें बनाई हैं जिससे मकान बनाने पर वह भी कभी झुकेगा नहीं। और यहाँ पर देखिए, यह कारीगर लगता है कि इस सेफ का बहुत बड़ा फैन है। सेफ तो चलो खाने में अपने इस स्टाइल से नमक डालता है, लेकिन यह कारीगर साहब कौन सा नमक चेक कर रहे हैं? कोई इनके चश्मे का नंबर ठीक करवाओ और सेफ के वीडियोज से कुछ दिन दूर रखो, वरना यह पता नहीं इस स्टाइल से क्या क्या चेक कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दोस्तों, अगर कारीगर कुछ इस तरह के आ जाते हैं तो घर में दीवारें ही टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, बल्कि इस तरह के कारनामे भी इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। अब मेरे समझ यह नहीं आ रहा कि बेचारा मकान मालिक इन ड्रॉवर्स को खोलेगा कैसे। दोस्तों, आप में चाहे कितना भी टैलेंट होगा, लेकिन दोस्तों के सामने आप ज्यादा स्टाइल नहीं मार सकते, क्योंकि यह दोस्त बड़े कमीने होते हैं। मेरे ख्याल से यह भाई साहब अब कभी अपने दोस्तों के सामने स्टाइल नहीं मारेंगे। लेकिन यार, असली मजे भी दोस्तों के साथ ही आते हैं, जो हर काम में फन ढूंढ लेते हैं। सही बात है। अब बताइए, इन्हें कभी रोलर कोस्टर की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से यह इसी में काफी खुश है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ कारीगर ऐसे भी होते हैं जो बीच वाले कॉलम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका मानना है कि मकान का पूरा लोड साइड के कॉलम पर ही होता है। यार, मकान बनाओ तो ऐसे कारीगरों का ध्यान जरूर रखना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इतना ही नहीं, उन कारीगरों ने अपना कमाल यहाँ पर भी दिखाया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जिसके बाद घर को रस्सी से बांध कर चले गए, और 11 मुल्कों की पुलिस आज भी उन्हें ढूंढ रही है। दोस्तों, इस मिस्त्री को देखिए, जिसने पंखे का बटन ऐसी जगह लगाया है कि मैं खुद पंखा लगवाने के लिए इस मिस्त्री को ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको मिले तो कमेंट में जरूर बताना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए धड़ाएं काट रही है ओम को।